हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ 5 डिफरेंट इजी बॉटल पेंटिंग आइडियाज़। ये बॉटल सब डिस्कार्डेड के लिए रखा हुआ था, पर इसे मैंने एक नया लुक दिया है। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इजी आइडिया से। यहाँ पे मैं वाइन बॉटल ली हूँ और साथ में मैं यूज़ करूँगी ये मास्किंग टेप। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं टेप को लगा दूंगी। आप यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे रिंग ही रख रही हूँ, थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे टेप को अच्छे से लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं व्हाइट एक्रेलिक कलर यूज़ करूँगी और स्पंज ब्रश से पूरी बॉटल को पेंट कर दूंगी। आप टेप के ऊपर भी पेंट कर सकते हैं। पेंट होने के बाद टेप को निकाल दीजिए, तो कुछ इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कलर थोड़ा सा फैला हुआ है, बट आप थोड़े से कॉटन को गीला करके भी पोंछेंगे तो ये आराम से मिट जाएगा। सो रेडी है मेरा सबसे पहला DIY। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। आप यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन या पैटर्न बना सकते हैं, या फिर अगर गोल्डन कलर भी यूज़ करेंगे तो भी ये काफ़ी सुंदर है। अब चलते हैं हमारे सेकेंड DIY के लिए। यहाँ पे अगेन मैं ग्रीन कलर का बॉटल यूज़ कर रही हूँ, बट इसमें जो मैं डिज़ाइन बनाऊँगी ये मोल्डेड की मदद से करूँगी। ये आपको नॉर्मल स्टेशनरी स्टोर में आराम से मिल जाएगा। इसमें इस तरीके के दो पैकेट आते हैं, जिसमें एक में रेजिन होते हैं, दूसरे में हार्डनर। इसे आप इक्वल अमाउंट में दोनों को आपस में मिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक बेस बोर्ड लिया है, जिसके ऊपर थोड़ा सा मैं टैल्कम पाउडर छीट रही हूँ, ताकि जो मैं फ्लावर बनाऊँ वो अच्छे से पील ऑफ हो पाए। तो यहाँ पे मैं पहले छोटे छोटे इस तरह से लोई बना रही हूँ, और उसके बाद हल्के हाथ से उंगली से मैं प्रेस करके एक फ्लावर का पेटल जैसा बनाऊँ। एंड बीच में जो गैप है, अगेन मैं एक होल करके लोई उसके अंदर डाल दूँ, तो ये हमारा फ्लावर रेडी है। कुछ इस तरह से मैं 3-4 फ्लावर और बनाऊंगी, और कुछ छोटे साइज के भी फ्लावर्स बनाऊंगी। ये काफ़ी इजी है, आराम से आप बना सकते हैं। टाइम है इन सबको बॉटल में स्टिक करने का। तो यहाँ पे मैं एक ब्रांच जैसा बना रही हूँ, लीफ भी मैं अकॉर्डिंगली वैसे ही बनाई हूँ। स्टिक करने के लिए याद रखें, जब क्ले थोड़ा सा गीला हो तो वो आसानी से स्टिक हो जाता है, बट वंस अगर वो हार्ड हो गया है तो आपको फेविकॉल यूज़ करना पड़ेगा। बट बॉटल में जब आप फेविकॉल यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है एंड थोड़ा सा टाइम लगता है स्टिक करने के लिए। तो याद रखें, क्ले जब बन जाए तो तुरंत ही बॉटल में लगा दें, तो वो आसानी से स्टिक हो जाएगा। कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। अब इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए मैं एक्रेलिक कलर से इसे पेंट करूँगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा पहला क्ले आर्ट है जो मैंने ट्राई किया है, एंड ये सबसे फेवरेट भी है। आई होप आपको भी ये आर्ट अच्छा लगा होगा। ऑन टू आवर थर्ड DIY। यहाँ पे एक मेरे पास CCT का बॉटल था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी लुक चेंज किया जाए। यहाँ पे मैं चॉक पेंट यूज़ कर रही हूँ, एंड ब्लू कलर से मैं पहले पूरे बॉटल को पेंट कर दूँगी। अगेन यहाँ पे मैं स्पंज ब्रश को यूज़ कर रही हूँ। कलर जब अच्छे से सूख जाएगा, मैंने यहाँ पे कुछ पेंसिल से डिज़ाइंस बनाए हैं, एंड उसे मैं एक्रेलिक कलर से कलर कर दूँगी। ऐसे डिज़ाइन के आइडियाज़ आपको पिंट्रेस्ट में बहुत सारे मिलेंगे, तो मैं भी वहाँ से इंस्पायर्ड होके इसे मैं पेंट की हूँ।
ये बॉटल भी रेडी है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड पॉप ऑफ कलर ऐड करता है। इसे आप एज अ प्रोपेगेशन प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट DIY के लिए मैं वाटर ड्रॉपिंग मेथड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लास कलर्स। सारे कलर्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दी हूँ। बट अगर आप ग्लास कलर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप यही सेम चीज़ को एक्रेलिक कलर में भी कर सकते हैं। कलर को थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में कीजिए। और यहाँ पे मैं सीरिंज यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो राउंड ब्रश में भी यही चीज़ को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हल्के में प्रेस करेंगे तो उसमें कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट आएगा। यही सेम चीज़ मैं ग्लास कलर में कर रही हूँ। ग्लास कलर भी थोड़ा सा लिक्विडी होता है तो ये इफ़ेक्ट में भी बहुत सुंदर लगता है। कलरिंग करने के बाद इसे एटलीस्ट 12 आवर्स के लिए साइड में रख दीजिए ताकि कलर अच्छे से ड्राई हो जाए। कलर ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। कलर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे वार्निश स्प्रे यूज कर रही हूँ। देखिए एक नॉर्मल बॉटल का लुक कैसे चेंज होता है। आप इसे कहीं पे भी सजाइए, ये जरूर से स्टैंड आउट करेगा। फॉर आर लास्ट DIY यहाँ पे मैं ये ऑलिव ऑयल का बॉटल यूज कर रही हूँ और इसे मैं डेकोरेट करूँगी इस तरह के सी शेल्स से। ऐसे हम लोग बहुत कलेक्ट करते हैं तो ये मेरे पास कुछ थे और इसे मैं बॉटल पे स्टिक करूँगी। यहाँ पे मेरे पास जो बचा हुआ क्ले था उसे ही यूज़ करके मैं इसे स्टिक कर रही हूँ। ऑनेस्टली मैंने ग्लूगन से भी ट्राई किया था पर ग्लूगन में ये चिपक नहीं रहा था। ये क्ले से बहुत ही अच्छे से स्टिक हो गया एंड जो एक्स्ट्रा जो क्ले है आप इस तरीके के टूल से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको भी शौक है इस तरीके के सी शेल्स को कलेक्ट करना बट कैसे सजाना है ये नहीं समझ पाते हैं तो ये DIY ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल बीच थीम भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है तो वहाँ पे ये बॉटल काफ़ी सुंदर लगेगा। तो ये था कुछ आइडियाज़ बॉटल DIY के लिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इससे पहले भी मैं बहुत सारे आइडियाज़ बॉटल रिलेटेड शेयर की हूँ जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।